दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। करीब 352 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ दरबार का पुनरुद्धार कराया है। 527,734 वर्ग फीट में श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार किया गया है। लगभग 175 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं निगरानी के लिए बाबा दरबार में। 5.50 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। 24 घंटे मौजूद रहेंगे श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सक। मुख्य परिसर के चारों ओर बने चार द्वार सर्व कल्याण के भाव को अभिव्यक्त करते हैं, जिनका उल्लेख 12वीं और 13वीं शताब्दी के स्थापत्य शिल्प ग्रंथ अपराजित परीक्षा में आता है। शास्त्र गंगा स्नान के बाद गंगा के जल से ही बाबा के अभिषेक का विधान बताता है। गंगा धार छोर पर तंत्र खड़ा गेटवे ऑफ कॉरिडोर इस अवसर का प्रदाता है। काशी विश्वनाथ गंगे का धर्म दर्शन यहाँ जीवंत होता है। मंदिर चौक के विशाल द्वार पर बना स्थान बाबा के स्वर्ण शिखर और गंगा धार का एक साथ दर्शन कराता है। आज जिस दिव्य एवं भव्य काशी विश्वनाथ धाम की सृष्टि हुई है, वह प्रधानमंत्री मोदी के मस्तिष्क में पनपा ऐसा विचार था जिसने इतिहास का काया पलट कर दिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुरातन वैभव इस आधुनिक नवनिर्माण के आलोक में और भी प्रकाशमान एवं गौरवशाली हो उठा है। महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल के अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम योजना का स्वप्न देखा। मंदिर के आसपास के शिवालय और मंदिरों का जीर्णोद्धार बाबा विश्वनाथ को गंगा से जोड़ने और दुनिया के इस प्राचीन शहर के आनंद कानन स्वरूप को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया और यही संकल्प आज पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ पूरा हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के जरिए इस महान तीर्थ को उसकी ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक आभा के साथ ही मोक्षदायिनी गंगा से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। यह मोदी जी की ही दृष्टि है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है पहले 5000 वर्ग फीट में भी नहीं था, उस परिसर का दायरा अब बढ़कर 527,300 वर्ग फीट तक हो गया है। इस अद्भुत नव निर्माण में उन मंदिरों की मणिमाला की जगमग भी शामिल है जो निजी भवनों के भीतर से निकले हैं। इनकी न सिर्फ पुनर्स्थापना की गई बल्कि इनके इतिहास और महत्व को भक्तों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। पहले मंदिर का परिवेश दम घोटू था, इसे विस्तार देना था। इसी प्रक्रिया में परिसर के आसपास की परिसंपत्तियों के असली मालिकों की पहचान कर उन्हें इस महायज्ञ में सहभागी बनाने को तैयार करना था। उनसे जुड़े दुकानदारों, धर्मशालाओं, मठों और विद्यालयों का पुनर्वास और उन्हें आजीविका का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना था। क्षेत्रीय विरोध, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनाधिकृत कब्जेदारों से लेकर जनमानस की स्थानीय समस्याएं सामने थी। उनका तब समय सीमा में निपटारे के साथ धाम का निर्माण एक बड़ी चुनौती थी। इसे बाबा विश्वनाथ ही पूरा कर सकते थे। जब वास्तुकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया तो उसमें वांछित भूभाग के लिए 300 से अधिक परिसंपत्तियों की आवश्यकता थी, जिसे चिन्हित कर 320 मकान बाजार के भाव से अधिक मूल्य पर खरीदे गए, क्योंकि धाम का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्टताओं को समेटे हुए वास्तुशिल्प को साकार रूप देना था। इसी दृष्टि से पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य संबंधी सौंदर्य बोध विकसित कर योजना के दायरे में आने वाले प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया। धाम में मकराना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर सहित 7 विशेष पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। परिसर के मुख्य आकर्षणों में 2100 वर्ग फीट में स्थित मुख्य परिसर,
29,000 वर्ग फीट का विस्तारीकरण एवं उसके साथ साथ भोगशाला, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तकालय, मुमुक्षु भवन, वैदिक केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी आदि की पूरी भव्यता साथ उपस्थान स्थिति की बात करें तो लगभग पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज हो गया। वहीं दूसरे चरण में ये काम पूरे होंगे, जिसमें मंदिर चौक से विश्वनाथ धाम परिसर के साथ ही गंगा दर्शन किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैम का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। जलासेन घाट पर गंगा स्नान के बाद धाम में प्रवेश के लिए प्रस्तावित भव्य मुख्य द्वार का निर्माण किया जाना है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य 60 करोड़ की लागत से किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में बनाए गए 3 प्रवेश द्वार पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया गया है। सामान सहित भक्त विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे और यहाँ यात्री सुविधा केंद्र में प्रसाधन के साथ ही मोबाइल, बैग सहित अन्य सामान रखा जा सकेगा। यहीं से भक्त गंगा घाट और विश्वनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। काशी में कलाकारों को एक और सांस्कृतिक केंद्र की सौगात मिलेगी। धाम क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत का निर्माण सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया गया है। बाबा के धाम में श्रद्धालुओं के लिए तैयार परिक्रमा पथ संपूर्ण काशी की यात्रा कराएगा। शिव के धाम में श्रद्धालु दर्शन करने के बाद बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट भी खोला जा रहा है। मोक्ष की नगरी काशी में मोक्ष की मान्यताएं भी अद्भुत है। काशी वास करते हुए मोक्ष की हसरत से देश भर से श्रद्धालु काशी आते हैं। इसी परिकल्पना को केंद्र में रखकर काशी विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन को तैयार किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम में आनंद कानन का लघु स्वरूप साकार होगा। बाबा का आंगन उनके प्रिय रुद्राक्ष, बेलपत्र, मदार, अशोक, पारिजात के वृक्षों से सजेगा। मंदिर परिसर से लेकर गंगा तट तक देव वृक्षों की आभा शिव भक्तों को अद्भुत एहसास कराएगी। देवी कृपा वाले वृक्षों के साथ ही सुगंधित पुष्पों की क्यारी भी मनमोहक होगी। भगवान शिव के धाम में आने वाले भक्तों को लघु आनंद कानन की शोभा देखने को मिलेगी। परिसर से लेकर गंगा तट तक ये हरियाली के माहौल का सृजन करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये दोस्तों मैं पुराना वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि पहले का स्वरूप कैसा था, और बता दूँ कि ड्रोन शॉट भी इसलिए मैं दिखाया कि अब कैसा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।